चलिए दोस्तों, मैं फिर महाराष्ट्र की तरफ दाखिल हो रहा हूं और वहीं एक शहर है माले, भुसावल से थोड़ा सा आगे मालेगांव। और मालेगांव जनाब अल्ताफ जिया, हम सबके और उर्दू दुनिया के मकबूल तरीन मशहूर तरीन शायर, और हम सब जिनका सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं सहारनपुर से लेकर पूरी दुनिया तक, आली जनाब अल्ताफ जिया साहब तालियों के बीच में तशरीफ ला रहे हैं। हाजरीन आदाब, बस इसी तरह सुनिएगा दोस्तों, प्लीज बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा। कोई शायर हो, कितना भी बड़ा शायर हो, किसी भी रियासत का शायर हो, किसी भी शहर का शायर हो, वो बड़ा तब बनता है जब सहारनपुर उसे नवाजता है। इसकी मिसाल अल्ताफ जिया आपके सामने खड़ा है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और फजलुर रहमान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अबू बकर शिबली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका ये मुशायरा पूरी तरीके से अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। मैं अबरार काशिफ साहब, मेरे भाई हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं तो समझा था कि मुझे अभी और रोका जाएगा, लेकिन उन्होंने भरपूर लोगों में मुझे पेश किया, मैं उनका शुक्र करता हूँ। और यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। ये जो तमाम लोग डाइस पे बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा और शरीक हो भी रहे हैं वो शायरी में, मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। सुनिएगा दोस्तों, इसमें एक शेर सुनाना है इस गजल में, और पूरे सहारनपुर से मुझे दाद वसूल करनी है, दुआएं वसूल करनी है। पेश करता हूं, मुलाहजा फरमाए, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है। ये मतलब ही वैसे बुरा नहीं है, आप शरीक हो सकते हैं। मेरे शोरा जब भी इस मतले को सुनते हैं तो मचल कर दाद देते हैं, और ये तो सहारनपुर है, यहाँ अच्छे शेर पर दाद ही मिलती है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। बहुत अच्छे भाई, वाह। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से, शाद साहब देखिएगा, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। सहारनपुर वालों, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। अगर इस शेर पर मुझे आपने नवाज दिया तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। ये शेर आसानी से आपकी समाज तक तो पहुंचेगा, आसानी से कहा नहीं गया है। कई रातें गुजारी हैं मैंने इस शेर के चक्कर में, मुझे आप इस शेर की उजरत दें। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। वाह। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। झूठ को मसनद शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे लगता भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
झूठ को मसनद शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनद शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है, और सच्चाई हवालात में रखी गई है। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। मुझे इस शेर पर भी आपकी दुआएं भरपूर चाहिए। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं ये शेर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है उनके कदमों में रखता हूँ और उनकी दुआ चाहता हूँ। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ। आइए बैठिए। बहुत अच्छे बाबा। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। नवाज साहब, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, मैं आईना हूँ न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। मेरा भाई फैसल यहाँ बैठा है, उसकी फरमाइश थी कि मैं इस गज़ल के कुछ शेर पढ़ूँ, मैं उसे शरीक करता हूँ और ये शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। पेश करता हूँ, देखिएगा। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। अगर इस शेर पर कोई भी बंदा खामोश रहा तो ये मेरे बैठने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई खामोश रहेगा। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट। एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पढ़ के अपनी जगह लूँगा, इसलिए कि मुझे अपने मेरे मोहतरम ताहिर फराज साहब, नवाज देवबंदी साहब, मेरा भाई हाशिम, इन तमाम लोगों को पढ़ना है। इस्माइल नज़र साहब मतला पढ़ता हूँ और आप सबसे यही उम्मीद रखता हूँ जो अभी तक आपने बांधे रखा मुझे। पेश करता हूँ मुलाजफर, सुने बिलखसूस मतला पेश करता हूँ। ये मतला जिस जैसे ही मुकम्मल होगा आपको एक मुल्क याद आएगा, वो मुल्क जिस पर बेजा बेवजह जुल्म किया जा रहा है, जो हक पर है, और हम तमाम के दिल से उस मुल्क के लिए दुआ निकलती है। अगर आपने इस शेर में शरीक हो गए तो मैं समझूंगा कि आप पूरा मजमा उस मुल्क को दुआ दे रहा है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमा। जाने क्या लोग हैं। दोस्तों मतला संभाल लीजिएगा। जाने क्या लोग हैं, आप भी जरा शरीक हो जाएं। जाने क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं। पूरा मजमा शरीक हो। जाने क्या लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं। जान
में क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं, सर नहीं अजीमत सर नहीं अजीमत दास्तार संभाले हुए हैं, जान क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं, सर नहीं अजीमत दस्तार संभाले हुए हैं, जान क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं। बहुत अच्छा सुना, बहुत शुक्रिया शब्बीर शाह साहब। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा। मिसरा लगता जाए तो आपकी मोहब्बतें बढ़ती जाएं। देखना देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, ये जो नेज़ों पे उछाले हुए हैं, देखना कल। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, मैं मोहब्बतें आप, बहुत शुक्रिया। देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, देखना कल यही मातम भी करेंगे तेरा, ये जो नेज़ों पे उछाले हुए हैं, जान क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं, सर नहीं अजमत दस्तार संभाले हुए हैं। अबरार भाई, हामिद भाई, देखिएगा बतौर खास ये शेर। इरशाद भाई, इरशाद भाई। मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं। देखिएगा मिसरा लग जाए तो, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, आस्तीनों में है पाले हुए हैं, आस्तीन। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे पहचानते हैं, आस्तीनों में ये जो सांप है पाले हुए हैं, जान क्या लोग हैं, हैरत में जो डाले हुए हैं। अब यहाँ से जो दो तीन चार शेर हैं, जिम्मेदारी बढ़ती है आप सबकी। सिर्फ दीवार ही सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले। देखिए शायरी इशारे में की जाए तो मजा देती है, सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा इसी तरह। अगर मैंने इशारे में वो बात कह दी हो जो आपको अपने अजदाद की याद दिला दे,
तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिए। जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले। फजलुर रहमान साहब, आपका जो मुशायरा है पूरी तरीके से अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है। मैं चाहूँगा कि आप मुशायरे के अंदर आए, बाहर न जाएं। मैं ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जाने क्या लोग हैं सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, रास्ते सारे रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे। क्या कहने, वाह वाह वाह, मेरी जान, आई लव यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, सिर्फ दीवार ही दीवार थी हमसे पहले, रास्ते सारे रास्ते सारे हमारे ही निकाले हुए हैं। जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं। और ये मैसेज सहारनपुर से पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। शरीक हो जाएं आप मेरी आवाज़ में, आवाज़ मिलाएं ताकि सुनने वालों को लगे कि जो शेर में पढ़ा हूं उसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है। तमाम सहारनपुर वाले मेरे शेर में शरीक हो जाएं। जाने क्या लोग हैं दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है। सुनिएगा, दिल में दुनिया की हवस है, दिल में दुनिया की हवस है, दिल में दुनिया की हवस है, सबने बसा रखी है। दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है, दिल में दुनिया की हवस सबने बसा रखी है, तौके गुमराही गले में सभी डाले हुए हैं, तौके गुमराही गले में सभी। तौके गुमराही गले में सभी डाले हुए हैं। इस गजल का जो आखिरी शेर है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि पूरे मजमे ने इस शेर पर खड़े होकर के इस्तकबाल करना है। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। मैं एक शेर पढ़ूँ, उसके बाद जो शेर आएगा मैं आप यकीन दिलाता हूँ कि पूरा मजमा खड़ा होकर के मेरे इस शेर का इस्तकबाल करेगा। पेश करता हूँ। जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं, सर नहीं अजमत दस्तार संभाले हुए हैं, सर नहीं अजमत दस्तार संभाले हुए हैं, सर नहीं अजमत दस्तार संभाले हुए हैं। सुने, हमने के उम्र गुजारी यहाँ सहराओं में,
शबीर भाई देखिएगा, अदनान भाई, हमने एक उम्र गुजारी यहाँ सहराओं में, हमने एक उम्र गुजारी यहाँ सहराओं में, हमने एक उम्र गुजारी यहाँ सहराओं में, यूं ही पैरों में नहीं छाले हुए हैं, हमने एक उम्र गुजारी यहाँ सहराओं में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमने एक उम्र गुजारी यहाँ सहराओं में, यूं ही पैरों में हमारे नहीं छाले हुए हैं। और ये शेर जिसके लिए मैंने पूरे यकीन से कहा था कि पूरे मजमे ने खड़े होकर के इस्तकबाल करना है, मैं सलाम पेश करता हूँ नदीम अंसारी पार्षद साहब को, जिनकी मोहब्बतों ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं एक शेर पढ़ता हूं दोस्तों, मैंने जैसा कहा है अगर ऐसा ही हो जाए तो मैं समझूंगा कि आज के इस मुशायरे का सबसे कामयाब शेर यही है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, और अगर इसका एक एक लफ्ज सच्चा हो तो शरीक हो जाए। जाने क्या लोग हैं हैरत में जो डाले हुए हैं, सर नहीं अजमत दस्तार संभाले हुए हैं, कुछ तो बीमार, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, शरीक हो जाए आप सब, कुछ तो बीमार, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ तो बीमार है ऐसे जो संभलते ही नहीं, कुछ मसीहों को, कुछ मसीहों को बीमार संभाले हुए हैं, कुछ जी आ रहे हैं देखिए दोस्तों, इतनी आवाज में मैंने ये गजल पढ़ी है, अब मुझे नहीं लग रहा कि जिसकी फरमाइश हो रही वो मैं पढ़ सकूं, लेकिन आपने अगर संभाला दिया मुझे तो शायद पढ़ लूं। इससे कबल कि मैं उनकी फरमाइश का एहतमाम करूं, मेरा जी चाह रहा है जी जी मैं पढ़ता हूं, सुने। देखिए ये तन्हाई में जो गज़ल है मेरी, अगर आप सब हाथ उठा के मुझे बताएं तो मैं वो गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला मेरा जी चाह रहा है कि इस गज़ल में मैंने एक मतला और भी कहा है, शब्बीर शाह साहब देखिएगा, वो मेरा जी चाह रहा है कि सहारनपुर वालों को सुना दूं, इसलिए कि यहाँ बहुत ही सीधे सच्चे लोग होते हैं,
दुआएं देने वाले होते हैं। पेश करता हूं अबरार भाई, देखिएगा ये मतला आपने भी नहीं सुना, हामिद भुसावली साहब ने, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, ताहिर फराज साहब, हाशिम भाई, इस्माइल नजर साहब, मैं मतला पढ़ता हूं और आप सबसे दुआएं चाहता हूं। इस वास्ते दुनिया की निगाहों में गड़ा हूं। नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ये तो जाया हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा मतला है जो अभी मैंने भी नहीं सुना, आज ही सुनूंगा इसे मैं। इस वास्ते दुनिया की निगाहों में गड़ा हूं। मिसरा लग जाए तो बेईमानी मत कर। इस वास्ते दुनिया की निगाहों में डरा हूँ, सच बोलने वालों की सफों में मैं खड़ा हूँ, सच बोलने वालों की सफों में मैं खड़ा हूँ, सच बोलने वालों की सफों में मैं खड़ा हूँ। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ। इस गजल के दो शेर मुझे सुनाने हैं। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ, वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ, मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ हूँ, मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ हूँ, मैं जिनको बचाने के लिए कत्ल हुआ हूँ। तलवार, जैसे सुना गया है हर बार ये शेर, आज भी वैसे ही सुना जाएगा इंशाल्लाह। तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना, तलवार पे खुद मैंने ही सर रख दिया अपना, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ, मालूम है मुझको कि मैं सच बोल रहा हूँ। आपका शेर आपके हवाले। ऐ रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना। ये जो रात है उस मनहूस का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, आप समझ जाएंगे ये कौन सी रात है। पेश करता हूं मुलाजा फरम। ऐ रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना। सहारनपुर वालों, आपने मोहब्बतों से दोबारा बुलाया है तो इज्जत से मुझे वापस कर दें। ऐ रात मेरी समत जरा सोच के बढ़ना, पहचान ले मुझको के मैं अल्ताफ जिया हूँ, पहचान।